नमस्कार सबैजनालाई, मेरो नाम चाहिँ रिन्जिङ ग्याचो भुटिया हो। फर्स्ट एन्ड फर्स्ट आई वुड लाइक टु थ्याङ्क पिस्टन एड राइडर फर दिस अपर्च्युनिटी। प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब हिज च्यानल अल्सो। अन्त म चाहिँ एउटा म्युजिसियन हो, अन्त आई प्ले किबोर्ड, अन्त आई डु अ कभर भिडियो सङ्ग्स, मेरो आफ्नो ओरिजिनल्सहरू पनि छ। सो आशा गर्छु तपाईँले मेरो च्यानल मन पराइदिनुहुन्छ होला। त मन पराउनु भयो भने प्लिज लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, धन्यवाद। Cause life gets hard, it might leave scars, can tear you apart if you let it be smart. Yeah, you wanna be just like the stars. Right guys, welcome back to the channel once again, and I hope you all are doing absolutely fine. So right now it's 3:40. जैसे कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि एक व्लॉग उसी दिन एडिट करके उसी दिन डालना है, तो वो जो है हो गया है, मतलब अपलोड भी हो गया, थंबनेल में सब डाल दिया है। तो आज जो है अपन एक छोटा सा राइड के लिए जा रहा है, काफी दिनों बाद में जा रहा हूँ और मजा आने वाला है ऑब्वियसली। और आई एम कैरिंग माई ड्रोन ऑल्सो, तो अगर कहीं पे जगह मिला तो आई फ्लाई माई ड्रोन। तो सिर्फ यही उम्मीद रखता हूँ कि बारिश ना हो, क्योंकि बारिश होने से सब बर्बाद हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से। काफी दिनों बाद आई एम गोना वेयर माय राइडिंग जैकेट। I'm sick and tired of these broken dreams, these broken teens sitting down on broken. All set, let's go now. ऑलराइट गाइस, आपका ब्रो फाइनली निकल चुका है एक बाहर के राइड के लिए। फाइनली मैं ड्यूटी नहीं जा रहा हूँ यार, वेदर जो है काफ़ी ख़राब हो रखा है, मतलब बारिश होने ही वाला है यहाँ पे, मुझे दिख रहा है। नीचे पहुँचते पहुँचते तो बारिश शुरू भी हो जाएगा, बट कोई नहीं, आज भीग लेंगे थोड़ा सा। आफ्टर आई थिंक 2 मंथ्स मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, नहीं तो अभी तक सिर्फ ऊपर ही जा रहा था, रूम टू ड्यूटी, ड्यूटी टू रूम, मतलब इतना ही चल रहा था अपन का व्लॉग में। फाइनली थोड़ा बाहर निकलने का मौका मिल रहा है मेरे को। तो अभी जो कोविड गया नहीं है पूरी तरीके से, तो थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा तो क्या, काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई 30 डेज तक तो वीडियोस डालना है ना कैसे भी करके। आज तो भाई मज़ा आएगा राइड करने में, सच में यार, सिर्फ बारिश ना हो। When you're feeling down on your luck, you're tired and stuck, enough is enough, you gotta pick yourself up. वैसे तो मैं ये रोड काफ़ी बार आ चुका हूँ, मतलब मेरे वीडियोस में ऑलरेडी है ये रोड, लेकिन बहुत दिनों से इधर में आया नहीं था ना, तो मतलब पूरा तड़प रहा था यहाँ पे आने का और थोड़ा खुल के चलाने का, यू नो, बाइक को। वाओ, खाली खाली सा रोड गाइस। इतना खाली रोड तो मैंने कभी भी नहीं देखा था यार, बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रहा है मेरे को। आई होप आगे में कोई पुलिस वगैरह तो नहीं है बैठे, क्योंकि आगे में एक बोर्ड था, नोटिस बोर्ड, रोड इज क्लोज बोल के। ऑलराइट गाइस, सो अपन अभी यहाँ पे है, मतलब मज़ा कर रहा है। यहाँ पे ब्रिज है छोटा सा, सोच रहा हूँ कि वहाँ पे एक ड्रोन शॉट लो एक दो, और आज थोड़ा फास्ट चलाने का भी मन कर रहा है, क्योंकि अभी काफ़ी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है यहाँ पे, कोई गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं है, रोड पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो सोच रहा हूँ कि एक यू नो हाई स्पीड रन कर लूँ, बहुत दिनों से मन कर रहा है इसलिए, और राइडिंग जैकेट भी मैंने लगा क्या है, तो थोड़ा सेफ्टी है, तो देखते अगर होने से ट्राई करूँगा मैं। और हाँ, आप लोगों को ड्रोन शॉट्स कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ, काफ़ी मज़ेदार ड्रोन शॉट्स लेने वाला हूँ अभी, तो इसका जो है मैं डीवी किलर भी खोलने वाला हूँ, डीवी किलर खोलने के बाद मैं ट्राई करूँगा हाई स्पीड रन, देखते हैं कितना मारता है मेरा बाइक ये छोटा सा स्ट्रेस में। चलो अभी ऊपर ब्रिज में जाएंगे, एंड आई एम गोना फ्लाई माई मैविक मिनी। Down on your luck, you're tired and stuck, enough is enough, you gotta pick yourself up, cause life gets hard, it might leave scars, could tear you apart, if you let it be smart, yeah, you wanna be just like the stars, take me to Mars, high up and far, cause that's a start, all I know is that I love making art, straight to my heart, keep up my guard, and always work hard, yeah, it's hard to... Alright guys, आपका भाई ने निकाल दिया DV killer, I don't know, कितनों को disturb करूंगा मैं अभी। और यहाँ पे छोटा सा स्ट्रेच है, वहाँ पे मैं छोटा सा लंबा खींचने वाला हूँ, और काफ़ी खाली है, पहले खाली होने दीजिए, उसके बाद ही मैं चलाऊँगा, क्योंकि सेफ्टी का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेच हो गया, शुरू, लेट्स गो मैन।
थिंक इट वॉज 135-137 और समथिंग, ज़्यादा तो नहीं मार पाया यार। ये बाइक को ना स्पीड पकड़ने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, मतलब पूरा ऊपर में है ना इसका RPM, आई थिंक 10,500 में है इसका एक्चुअल पावर। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। इट वॉज 155 or 156 समथिंग, इतना ही था मतलब। उससे ज़्यादा नहीं मार पाया, मतलब रोड थोड़ा छोटा है ना, और भी थोड़ा लंबा होने से ना 165-170 आराम से मार देता मैं। एक बार इसका टॉप स्पीड ट्राई करना है यार। मैंने YouTube पे वीडियोस वगैरह तो देखा है टॉप स्पीड का 185-190 तक जाता है, तो मतलब मेरे को भी ट्राई करना था एक बार, लेकिन वैसा अच्छा सा रोड, अच्छा सा माहौल नहीं मिला है मेरे को, तो बाद में कभी ट्राई करेंगे। अभी फ़िलहाल चलते हैं। एक खूबसूरत सा राइड हो गया यार फाइनली, कितने दिनों के बाद, एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट। खाली खाली सा रोड, मतलब हवा भी काफ़ी तेज़ बह रहा है, मज़ा आ रहा है यार मेरे को सच में। तो यार लेट मी टेल यू गाइज, आप लोग अगर हाई स्पीड वगैरह ट्राई करना चाहते हैं, थोड़ा मतलब यू नो अच्छे रोड में अच्छे गियर्स पहन के ही ट्राई कीजिएगा, ऐसे ही मतलब भीड़ भाड़ में मत कीजिएगा। आप लोग को पता ही है, आप लोग समझदार हो मुझे पता है। एंड या अपन अभी ये वीडियो को यहीं पे एंड करेगा, ऐसे कुछ खास नहीं था, जस्ट छोटा सा मोटो ब्लॉग और ड्रोन शॉट्स वगैरह डाला। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, तो अगर अच्छा लगा हो तो गिव दिस वीडियो लाइक, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और ऐसे ही मतलब अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते रहेंगे। तो या अभी अपन चलते हैं। थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़ गाइस।